प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रज्वाला, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपको विषय हिंदी कक्षा तीसरी पाठ 11 चूँचों की टोपी पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आपने ध्यान से इस पाठ को समझना है और सुनना है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। एक खाली कमरे में खूब सारे चूहे उछल रहे हैं। वहाँ उन्हें एक गठरी मिलती है। एक चूहा गठरी खोलता है, उसमें से लाल रंग का एक कपड़ा निकाल लेता है। कपड़े को देखकर वह बहुत खुश होता है। बच्चों, बहुत एक खाली सा कमरा है, उसमें बहुत सारे चूहे जो हैं उछल कूद कर रहे हैं और उन्हें वहाँ पर एक गठरी मिलती है। गठरी में से वह चूहा एक लाल रंग का कपड़ा निकाल लेता है। वह चूहा सब चूहों को वह कपड़ा दिखाते हुए कहता है, आह, यह कपड़ा तो बड़ा अच्छा है, मैं तो इसकी एक टोपी सिलवाऊंगा। कपड़ा मैं ले जाऊंगा, टोपी एक सिलाऊंगा। चूहा कपड़ा लेकर बाजार जाता है, बाकी चूहे भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। चूहा कपड़ा देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, आह, कितना सुंदर कपड़ा है, मैं तो इसकी एक अपने लिए सुंदर सी टोपी सिलवाऊंगा। ठीक है, और इस तरह से वह कहता है, कपड़ा मैं ले जाऊंगा, टोपी एक सिलाऊंगा। इस तरह से वह बाजार जाता है और बाकी चूहे भी उसके पीछे पीछे बाजार की तरफ चल पड़ते हैं और वे बाजार के पास पहुंच जाते हैं। बाजार में लोग तरह तरह के सामान बेच रहे हैं, जैसा कि आपको तस्वीर में दिख रहा है, एक दर्जी सामने बैठा हुआ है। चूहा, दर्जी भैया, दर्जी भैया, जरा मेरी टोपी तो सिल दो। दर्जी फटकार कर कहता है, चल हट, मैं नहीं सिलता टोपी, मुफ्त में काम करवाने आ गया कहीं से। चूहा, देख सिल दे मेरी टोपी, नहीं तो। फिर चूहा उसे बोलता कि देख सिल दे मेरी टोपी, नहीं तो। फिर दर्जी उसे कहता है गुस्से में, नहीं तो क्या कर लेगा। चूहा फिर बोलता है, रात को आऊंगा, अपनी फौज लाऊंगा, उतर उतर कर सारे कपड़े तुम्हें मजा चखाऊंगा। दर्जी उसकी बातें सुनकर डर जाता है और कहता है, ला भाई, तेरी टोपी सिल देता हूँ, मेरे कपड़े मत कुतरना। इस तरह से दर्जी, जैसे कि आपको तस्वीर में दिख रहा है, दर्जी उसकी टोपी को सिलता है। दर्जी चूहे से डर जाता है और उसकी टोपी सिल देता है। उसके बाद चूहा अपने आप में ही कहता है, आहा, टोपी पहनकर कितना मजा आएगा। दर्जी, चूहे भाई, यह लो, आपकी टोपी सिल गई। चूहा, भाई वाह, टोपी तो बहुत बढ़िया सिली है, इस टोपी मैं गोटा लगाता हूँ तो मेरी यह टोपी बहुत ही सुंदर लगेगी और चमकने लगेगी। चूहा खुदकता हुए गोटे वाले की दुकान पर जाता है। चूहा सोचता कि अगर इस टोपी पर मैं गोटा लगवाता हूँ तो मेरी टोपी और भी सुंदर बन जाती है। इस तरह से वह गोटे वाले की दुकान पर जाता है, जी उसकी टोपी को सिल देता है। चूहा गोटे वाले भैया के पास जाता है और कहता है, गोटे वाले भैया, ज़रा मेरी टोपी में गोटा तो लगवा दो। गोटे वाला कहता है, जा भाग यहाँ से। चूहा फिर कहता है, देख लगा दे, नहीं तो। गोटे वाला बोलता है, बोल, गोटा नहीं लगवाऊंगा तो क्या कर लेगा तू। चूहा, रात को आऊंगा, अपनी फौज लाऊंगा, उतर उतर कर सारे गोटे तुम्हें मजा चखाऊंगा। गोटे वाला डरकर, अरे भाई चूहे, मेरे गोटे मत कुतरना, मैं तेरी टोपी में गोटा लगवा देता हूँ। चूहा गोटे वाले को अपनी टोपी देकर इधर उधर चक्कर लगाता है। फिर वह मन ही मन में सोचता है, चमचम टोपी चमकेगी, मैं राजा बन जाऊंगा, चू चू मौज उड़ाऊंगा। गोटे वाला, ले भाई चूहे तेरी टोपी में गोटा लग गया। चूहा शीशे में अपनी सूरत देखकर बहुत खुश होते हुए, आह, टोपी तो बहुत चमक रही है, इसको पहनकर तो मैं सचमुच ही राजा लग रहा हूँ। इस तरह चूहा बहुत खुश होता है
और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तो बच्चों आओ हम इस पाठ से संबंधित आज प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पाठ 11 चूहों की टोपी प्रश्न उत्तर, इसमें पहला प्रश्न है चूहे कमरे में क्या कर रहे थे। पहले प्रश्न का उत्तर है चूहे कमरे में उछल रहे थे। दूसरा प्रश्न है चूहा दर्जी के पास क्या लेकर गया और क्यों। तो इसका उत्तर है चूहा दर्जी के पास लाल रंग का कपड़ा लेकर गया क्योंकि वह उसकी एक टोपी सिलवाना चाहता था। तो बच्चों अब इस पाठ से संबंधित हमारा तीसरा प्रश्न है टोपी सिलने से मना करने पर दर्जी को चूहे ने क्या कहा। तो इस प्रश्न का उत्तर है टोपी सिलने से मना करने पर दर्जी को चूहे ने कहा रात को आऊंगा अपनी फौज लाऊंगा कुतर कुतर कर सारे कपड़े तुम्हें मजा चखाऊंगा। इस तरह से चूहे ने दर्जी को डराया और दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। तो बच्चों हमारे इस पाठ्य पुस्तक में पाठ 11 के 3 प्रश्न हैं जिसके उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आपने इन उत्तरों को और प्रश्नों को सुंदर शब्दों में अपनी हिंदी की कॉपी पर लिखना है। मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दिया है। अगर आप इन प्रश्नों को नहीं कर पाए तो वीडियो के माध्यम से आप इन प्रश्न उत्तरों को पूरा कर लें। इसी के साथ हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। स्वस्थ रहो, खुश रहो।